डेजर्ट फॉक्स। मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। आज मैं हूँ राजस्थान के जवाई में जो लेपर्ड सफारी के लिए फेमस है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम यहाँ गांव के आसपास ही छोटी पहाड़ियों पे लेपर्ड की खोज कर रहे हैं। जवाई राजस्थान के पाली जिले में है और ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूरे जवाई में 60 से 70 लेपर्ड हैं और यहाँ पहाड़ियों पे इनके अनेक गुफाएं हैं। अभी हम एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं ताकि हम इस पूरे एरिया को और लेपर्ड की एक्टिविटी को देख पाए। सामने वाली पहाड़ी पे हमें एक लेपर्ड दिख गया जिसको देखना आसान नहीं था। वो बीच में? हाँ, बीच में देखो। वो जो एकदम कैमोफ्लेज है। सोरा सोरा सोरा। कैमोफ्लेज है। ओके। और गौर से देखने पे एक लेपर्ड आराम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो बहुत दूर है। ये एक फीमेल लेपर्ड है, जिसका नाम नीलम है, और ये यहाँ हमेशा अपने बच्चों के साथ दिख जाती है। अब धीरे धीरे और जिप्सीज भी आ गई हैं और सारे इसके बच्चे को देखने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये अकेली ही दिख रही है। आसपास इसका कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है। वैसे इसकी गुफा इन्हीं किसी पहाड़ियों में है और बच्चा भी कहीं आसपास ही होगा। और फाइनली इसका बच्चा आ ही गया। ये अभी 5-6 महीने का है और करीब 2 साल के होने तक ये अपनी माँ के साथ ही रहेगा। लेपर्ड्स अन्य बिल्ली प्रजाति के जानवरों की तरह अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए अलग अलग स्थान बदलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे 4 साल के होने तक भी अपने माँ के साथ या आसपास रहते हैं। जवाई में लेपर्ड्स को इंसानों के आसपास रहने की आदत हो गई है और लेपर्ड्स अपने बच्चों के साथ यहाँ आसानी से दिख जाते हैं। लेपर्ड के बच्चे जब 3 महीने के हो जाते हैं तो उनको शिकार की ट्रेनिंग के लिए माँ उनको शिकार पे भी ले जाने लगती है। शिकार के लिए घात लगाना सारी बिल्लियों के लिए एक महत्वपूर्ण कला है जो उन्हें जल्द से जल्द सीखना होता है, और इसके लिए वो अपनी माँ के साथ या अन्य भाई बहनों के साथ खेल खेल में अभ्यास करते रहते हैं। मेरे लिए ये पहली बार है जब मुझे एक तेंदुए को उसके बच्चे के साथ खेलते हुए देखने का मौका मिला है। जवाई में इनको इंसानों की आदत है
लेकिन अन्य किसी जंगल में लेपर्ड को देख पाना वो भी बच्चों के साथ आसान नहीं है। ऐसे जवाई में लेपर्ड्स के लिए शिकार के नाम पे बस पालतू भेड़ बकरियां ही हैं, और इसीलिए ये गांव के आसपास बने पहाड़ियों पे ही रहते हैं। और ऐसे ही बहुत देर तक खेलते खेलते दोनों कहीं झाड़ियों में चले गए। अब इस पहाड़ी के ऊपर चल के देखते हैं कि कहीं और कोई लेपर्ड दिखता है या नहीं। लेपर्ड रात में निकलना और शिकार करना पसंद करते हैं, और अब दिन के इस समय उनको देख पाना थोड़ा कठिन है। वैसे ये एरिया जवाई का सबसे फेमस एरिया नहीं है, और यहाँ बस लेपर्ड की साइटिंग के लिए ही लोग आते हैं। जवाई में एक बांध है, वो एरिया बहुत सुंदर है और फेमस भी है, तो कल मॉर्निंग में हमें उस एरिया को भी एक्सप्लोर करना है। तो फिर से हम सुबह सुबह निकल गए हैं जवाई में बांध के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, और बांध के पास जाने से पहले हम पास में ही एक मार्बल के खदान के पास आ गए हैं। थोड़ी ही देर में हमें एक लेपर्ड चलता हुआ दिख गया। ये एक मेल लेपर्ड है जो यहीं रहता है, और ये यहाँ हमेशा दिख जाता है। लेपर्ड को इतने पास से मैंने पहली बार देखा है। वहां से निकलने के बाद अब हम सीधा जवाई के फेमस डैम वाले एरिया के पास आ गए हैं। यहाँ सामने एक लेपर्ड की गुफा है, और उसके साथ 2-3 बच्चे भी हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि शायद एक और लेपर्ड हमें दिख जाए। बहुत देर वेट करने के बाद अब थोड़ा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, लेपर्ड को देखने का चांस भी कम होता जाता है। ये सब पहाड़ियां लेपर्ड्स का घर है, और हर थोड़ी दूर पे इनके कई सारे गुफाएं हैं, लेकिन इनको देख पाना फिर भी भाग्य की बात है। और ये है जवाई के फेमस डैम के आसपास का एरिया जहां सारे टूरिस्ट आते हैं। वैसे जवाई में सफारी करना गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, और ना ही यहां कोई फिक्स्ड एरिया है।
यहाँ के लोकल लोग अपने हिसाब से सफारी करवाते हैं और गवर्नमेंट फी या टिकट जैसा सिस्टम यहाँ नहीं है। तो ये थी मेरी जवाई की एक छोटी सी ट्रिप। यहाँ अन्य जंगलों की तुलना में सफारी का एक्सपीरियंस अलग है और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और ऐसे अलग अलग सफारी पे लेके जाता रहूँ।